जय दोस्तों, मैं राकेश आरके जी मशीन यूट्यूब चैनल से। मैंने आज लो वोल्टेज बनाने के लिए ये इसमें सॉल्ट मिला के, पानी में सॉल्ट मिला के एक तरफ से बाहर इनपुट डाला और उसका आउटपुट लेके एमसीबी को दिया। और एमसीबी से जो अपने को करंट आएगा, वोल्टेज तो थोड़ा सा ही कमा रहे लेकिन करंट जो है बहुत कमाने वाला है। तो अपन इसको ऑपरेट करके देखेंगे ये स्पीकर को 50 और 60 हर्ट्ज़ पे क्या होता है, ये देखना चाहते हैं अपन, जले ना ताकि। चलिए देखते हैं। ओके, ये इधर से मैं जोड़ा हुआ, इसे इधर से लेके गया इनपुट इसे इधर और एक दूसरा बात डायरेक्ट इधर से। ओके चलिए देखते हैं। वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो स्पीकर है वो एसी करंट पे डायरेक्ट ऑपरेट हो रहा है बिना जले। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको इस पर टेस्टर लगा के दिखाता हूँ। दिखा रहा है क्यों नहीं भाई, टेस्टर क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे पता से समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं इधर दिखाता हूँ जो इसका इनपुट गया है। यह इनपुट गया है जो इसके थ्रू आया है और इसमें से वो स्पीकर गया है जो कि स्पीकर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वो स्पीकर बिना चले ऑपरेट हो रहा है क्योंकि इसको करंट कम मिल रहा है इसकी वजह से। ये स्पीकर इससे आपको ये सीखने मिलता है कि अपन कुछ भी चला सकते हैं। अगर जब अपने पास ये जुगाड़ हो तो अपन कुछ भी चला सकते हैं, ये जुगाड़ हो अपने पास तो कुछ भी चला सकते हैं। अरे आसानी से मिल भी जाएगा, बॉटल चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए बस, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं कुछ और ऑपरेट करके क्या क्या ऑपरेट कर पाता है। अभी मैं लाया हूँ ये LED जो कि 3 वोल्ट का होता है। देखते हैं ये ग्लो हो पाता है या चल जाता है। मैं इसके सीरीज में जोड़ता हूँ ताकि ये कम से कम करंट आए और ये ग्लो हो सके। ओके, मेरी बारी हो गई, देख सकते हैं आप स्पीकर का थ्रू आके इसको LED को मैंने दिया। अब देखते हैं ऑन करके कि क्या ग्लो करता है या जलेगा। शुरू हो गया भाई साहब, वोल्टेज काफ़ी आ रहा है। LED टूट गया, ब्लास्ट हो गया LED। अभी मैं इस पे ये मोटर चला के देखता हूँ, 12 वोल्ट DC मोटर है, 775 नंबर का मोटर, और देखते हैं AC करंट पे क्या करता है। ऐसे तो टेक्निकली नहीं घूमना चाहिए, थोड़ा फॉरवर्ड रिवर्स होना चाहिए, बस देखते हैं क्या होता है। हाँ वैसे ही हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन है गाइस, आपको शायद वैसे नहीं दिखेगा लेकिन मैं दिख तो रहा है, थोड़ा जूम करता हूँ। अच्छी बात है कि मोटर कुछ तो हो रहा है कम से कम। हाथ पर वाइब्रेशन आ रहा है मेरा। ओके, अभी मेरे पास डायोड रहता तो मैं इसको घुमा के भी दिखाता था, देखता हूँ गाइस। मैंने डायोड एक छोटा सा लगाया है, एक घूम तो रहा है लेकिन बढ़िया से नहीं घूम रहा है। शायद इसमें कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा फिर ये बढ़िया से घूमेगा। लेकिन हमने आज घुमाया AC करंट पे DC मोटर, वो भी 12 वोल्ट का। आप देख सकते हैं, देखिए स्पीड बढ़ रहे हैं, वाव स्पीड हो रही है, वाव मेरे को डर लग रहा है छूने में। इसका स्पीड बढ़ गया गाइस, ये आज से हॉरिजेंटल रखने पे थोड़ा सा इसका स्पीड लो हो रहा है और ऐसे वर्टिकल रखने पर स्पीड काफ़ी बढ़ रहे हैं। और ये बाप रे, वाओ नाइस। आप पूरा देख सकते हैं, मैंने कहीं भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट AC करंट से इधर बोर्ड से लाया और वो पानी के थ्रू मैं मोटर को रन कर रहा हूँ। ओके गाइस, इसमें कोई भी फेक वाली बात नहीं है, आपके सामने है सब कुछ। ओके थैंक।